नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां देर रात पुलिस और पशु चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। अन्य बदमाशों की बात करें तो तीन बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो चुके हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ घंटे पहले देर रात्रि में डंगा ढोर चुराने वाले बदमाशों के साथ हरिद्वार पुलिस के मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तीन फरार चल रहे हैं और आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। देर रात हरिद्वार पुलिस के थाना झबरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ढोर डंगा चुराने वाले बदमाशों के साथ झबरेड़ा मंगलौर नहर पटरी में मुठभेड़ हो गई है, और मुठभेड़ में बॉलर पुत्र तालिब नवासी ग्राम चांदपुर गागा लेडी सहारनपुर के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर इसमें तीन साथी मौके से फरार हो गई। पुलिस के आला अधिकारी द्वारा मौका मुआयना कर रुड़की सिविल अस्पताल जाकर घायल की जानकारी ली गई है। रुड़की से हमारे संवाददाता सलमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान जी, आखिर पूरा मामला क्या था और अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जो पशु तस्कर है वो कार से सवार होकर झबरेड़ा की ओर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर जो पुलिस है उन्होंने लगातार इनके खिलाफ पहले से जाल बुनती आ रही थी, और वहीं पुलिस ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी कर इन बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिसके बाद जो है इनको रोकने का प्रयास किया गया। वहीं जो बदमाश थे उनकी तरफ से पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले के तौर पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो है एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद हालांकि बताया जा रहा पुलिस के मुताबिक तीन बदमाश और मौजूद थे जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि कार सवार बदमाश थे जो लगातार हरिद्वार जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो है पशु चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। हालांकि कार में ऐसी पहली घटनाएं कई लगातार सामने आ चुकी है, जो ये पशु चोर हैं वो लगातार जो राह चलते जो पशु हैं उनको मौका पाते ही कार में डालकर रफू चक्कर हो जाते हैं, तो उसी को लेकर कई घटनाएं सामने आई है, जिसको लेकर जो पुलिस है वो पहले से ही इन बदमाशों के खिलाफ जाल बुन चुकी थी। और वही देर रात जब सूचना मिली पुलिस को कि ये बदमाश रुड़की की ओर आ रहे हैं, तो वही झबरेड़ा थाना पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी और इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों की तरफ से पुलिस पर ही फायरिंग की गई। और वही बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, और जिसका उपचार अस्पताल में रुड़की चल रहा है। वही बात की जाए जितने भी तमाम आला अधिकारी है जिले के वो मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया गया, और तमाम जो अलग जो बदमाश है जो फरार हुए हैं उनकी भी धरपकड़ लगातार जारी है। वही पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि यूपी में इनके खिलाफ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और ऐसी घटनाएं लगातार करते रहते हैं, और हिस्ट्री शीटर तौर पर इनका नाम आता है, और गागा लेडी क्षेत्र सहारनपुर के निवासी बदमाश बताए जा रहे हैं। जी, तो मतलब ये जो ये अपराधी अभी फिलहाल पकड़ में आए हैं उससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसे कुछ कबूल किया होगा आपने? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी इस बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, हालांकि अभी इनका उपचार चल रहा है। वही बात की जाए तो पुलिस की तरफ से लगातार इन बदमाश से पूछताछ की जा रही है, जो फिलहाल हिरासत में है जिसका उपचार किया जा रहा है। वही तीन जो बदमाश है उनकी भी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अलग अलग जो है टीमें बनाई है, और पुलिस का ये कहना है कि अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद भी कुछ कहना मुनासिब समझा जाएगा कि आखिरकार ये इन बदमाशों ने पहले कितनी घटनाओं का अंजाम दिया। हालांकि जो पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि डेढ़ दर्जन से अधिक इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वही बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि ये बदमाश पशु को अपना जो है शिकार बनाते थे, उनका जो है चोरी करते थे, और चोरी करने के बाद उनकी हत्या करके जो है गौमांस क्षेत्र में बेचा करते थे, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस पहले से सतर्क है। लगातार पुलिस ऐसे पशु तस्करों के खिलाफ मुठभेड़ की जो है यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई करती दिखाई दे रही है, तो लगातार ऐसी जो घटनाएं हैं क्षेत्र में दिखाई देती है उसी को लेकर पुलिस जो हरिद्वार जिले की पुलिस है वो लगातार ऐसे पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। वही बात की जाए तो हरिद्वार जिले के जो एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल, उनके नेतृत्व में जो पुलिसिंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जगह पर जिस तरीके से लगातार पहले पशु चोरी घटनाएं हो रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार इन बदमाशों के खिलाफ पैनी नजर बनाए हुए है। जी तो सलमान, जो ये बदमाश थे ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में कुछ बताइएगा? देखिए, आपको बता दूं कि इनके बारे में जो अभी जानकारी जुटाई गई है, बताया गया है कि ये यूपी के गागा लेडी और सहारनपुर क्षेत्र के निवासी हैं। हालांकि बात की जाए तो अभी इनके और भी प्रयास जुटाए जा रहे हैं कि इनके साथ पूरा गैंग कितना बड़ा इनका गैंग है, कितने लोग इनके साथ शामिल हैं और किस तरीके का इनका गिरोह है, तमाम जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। हालांकि जो घायल बदमाश है उसका उपचार किया जा रहा है और उससे पूछताछ पुलिस की तरफ से अभी भी लगातार जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका तमाम जानकारी के लिए।
जैसे कि आपने देखा कि हमारे संवाददाता सलमान ने हमें बताया कि किस तरह से पशु चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और इनकी धरपकड़ जारी है। इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर।